हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और 1 जून में भी कदम रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत छोटा सा वीडियो है, सिर्फ एक गुड मॉर्निंग मैसेज आप लोगों को। थोड़ा सा मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट हो गया है तो अभी मैं इस वक्त तो आज बड़ा वीडियो शायद ना बना पाऊँ, लेकिन डेफिनेटली मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ज़रूरी वीडियोस डालूंगी टाइम निकाल के, ठीक है। ये वीडियो एक्चुअली मैंने बनाया है, पहले तो आप लॉकडाउन से खुल गया है तो जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं आपकी, हाँ भाई अपना ठीक से हाथ वाथ धोना है, मास्क लगाना है, अपनी केयर करना है, क्योंकि अब आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी है। क्योंकि हम कहते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया क्योंकि कब तक हम लोग बंद करेंगे, बहुत शायद जल्दी सुनते हैं कि स्कूल भी खुलेंगे, जिसकी मैं फ़िलहाल तो अगेंस्ट हूँ, बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बट लॉकडाउन खुलने से हमको अपनी सफाई का ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं, जैसे कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम लोग सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम लोगों के संग ये थोड़ी दिक्कत है। आप लोग बाहर जाते हैं, हर प्रकार के इंसान से मिलते हैं, हर प्रकार की एनर्जी आपके ऑरा जोन के अंदर, आपके ऑरा के अनदर आती है और आप जाने अनजाने, मतलब आपको पता भी नहीं चलता है, और हर प्रकार के इंसान की एनर्जी आप लेते हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। और दिन भर हम पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, जब हम लोग घर के बाहर निकलते हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं या हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, जिस वीक से की कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो हम लोग कई लोग सभी लोगों की एनर्जी को हम लोग अन इंटेंशनली ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल अपना ऑरा लॉक करके जाइए, एंजल प्रोटेक्शन लेके जाइए और घर आके बाहर से बिल्कुल नहाइए स्नान, क्योंकि जो हमारे वाटर में मेमोरी होती है और वाटर में एक ऐसी पावर होती है जो सारी की सारी नेगेटिविटी को, जो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, उस नेगेटिविटी को आपकी बॉडी से धो देती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सिर्फ हमको कोरोना के कारण से ही आके क्लीन नहीं होना है, नहाना धोना नहीं है, हमको इसलिए भी अपने आप को साफ रखना है, क्लीन रखना है, बिकॉज वी आर एम्पैथ्स एंड वी आर एब्जॉर्बिंग नेगेटिविटी या ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटीज़, ठीक है। इस जर्नी में हम लोग को रीयूनियन चाहिए तो हम लोग को बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से एक एस्पेक्ट्स ये भी है, क्योंकि अगर हम लोग नेगेटिव रहेंगे, लो वाइब्रेशन, तो हम लोग लो वाइब्रेशन में रहेंगे, और लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमारी अबेंडेंस नहीं होगी, हमारी अबेंडेंस नहीं होगी, रीयूनियन नहीं होगा, करेक्ट। दूसरा, मेरी एक सब्सक्राइबर है कविता हरसोसा जी, उन्होंने भी एक नया चैनल खोला है और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बहुत ज़्यादा बधाई देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग नए नए चैनल्स खोलते हैं, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरा मानना ये है कि चैनल खोलना भी वन ऑफ योर लाइट वर्क्स है। जैसे कि मैं लाइट वर्क इस चैनल के थ्रू कर रही हूँ, मैं पेशेंट्स भी देखती हूँ, वहाँ भी मैं लाइट वर्क करती हूँ, सम कंसेशंस एंड दिस एवरीथिंग, जो भी मैं अपना दी बेस्ट अपने पेशेंट्स को देती हूँ, या मैं कई एनजीओज में भी हूँ। मैं बहुत जल्दी आपको उसके बारे में भी बताऊँगी कि मैं किन किन एनजीओ से जुड़ी हूँ, क्या क्या काम करती हूँ। बट आप चैनल के थ्रू अगर किसी की ज़िंदगी बहुत टफ गुजर रही है, किसी को आपने ज़िंदगी दे दी, किसी को इंसान टूट रहा है और बिखर रहा है, बिखरते बिखरते अगर आपने उसको सांसें दे दी अपने अच्छे अच्छे वीडियोस से, तो आप एक लाइट वर्क कर रहे हो। तो चैनल बनाना भी, चैनल पे ऑनेस्टली अपनी बात को डिलीवर करना, ऑनेस्टली अपनी नॉलेज को देना, अपना सब कुछ देना, एक लाइट वर्क है जो किसी की ज़िंदगी को संवार दे, जो किसी को रास्ता दिखाए। तो कविता हरसोसा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और जिन लोगों ने मुझे नहीं भी बताया है और चैनल्स खोले हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। प्लीज़ खोलिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक इंसान से हमको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। कुछ चीज़ें अगर मुझसे आपको मिल रही हैं तो हो सकता है किसी और चैनल पे जो चीज़ मुझसे लैक हो रही हो, वो चीज़ आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो और ये जर्नी होती ही रिसर्च की जर्नी है, इस जर्नी पे एक बुक, वन सिंगल बुक कांट हेल्प यू
फॉर एवरी थिंग, यू हैव टू गो थ्रू विद मल्टीपल बुक्स. जब हम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं तो हम लोग कई बुक रिफ़र करते हैं सो दैट वी विल गेट ऑल द नॉलेज. एक बुक से हमको सारी नॉलेज नहीं मिल सकती, राइट? तो आप लोगों को बिल्कुल जर्नी पे अपने आंसर्स ढूंढने के लिए रिसर्च करनी चाहिए. बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों के मैं आंसर नहीं देती हूँ, इग्नोर करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकती हूँ. हाँ, अगर आप लोग पर्सनली कुछ कुछ मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तब तो डेफिनेटली आई हैव टू गाइड यू. बट ये जर्नी है, आपको खुद रिसर्च करना है. मैं अपना ऑनेस्टली जो मुझे नॉलेज है वो मैं सब दूंगी, फॉर श्योर पूरा दूंगी. या कोई ज़रूरत ही ना पड़े किसी भी प्रकार के काउंसलिंग की, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग जगह से अपनी नॉलेज को, यस. अब हम लोग क्यों कहते हैं कि चार जगह चार चैनल पर जाके आप लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि हर चैनल से अच्छा अच्छा लीजिए. मेरे चैनल पे आपको जो चीज़ कन्विंसिंग नहीं होती है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चैनल वाला अपने पर्सपेक्टिव अपने एक्सपीरियंस को आपको सिर्फ शेयर कर रहा है, गाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है. आपको क्या लेना है ये आपकी मर्जी है. तो आप हर जगह से जाके अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए, जो आपको नहीं अच्छी लगती है वो छोड़ दीजिए, ठीक है? बट जज करके अपने कर्मों को ख़राब मत करिए, राइट? इसके अलावा हाँ, शाल मेरी एक फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बन गई है वो, आई कुड से फ्रेंड, शालिनी जी, शालिनी श्रीवास्तव जी. उनका भी काफ़ी वो इस वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस फील कर रही हैं. देखिए, मैं एक चीज़ का गाइडेंस सभी को दूंगी कि यूनियन इज इक्वल टू बैलेंस. मैंने आज की कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, यूनियन मीन्स होता है बैलेंस. बैलेंस जैसे कि आप जानते हैं शिव बैलेंस, अगर मैं टिपिकल वर्ड में कहूँगी तो शिव इक्वल टू शक्ति, यिंग इक्वल टू यांग, डीएम इक्वल टू डीएफ. तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डीएम डीएफ बैलेंस क्या होता है, ठीक है? अब अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आप जिस आपकी जब बाई बर्थ ही आपके अंदर आपका इनर डीएम और इनर डीएफ है, हम सबके हैं, राइट? जिस चीज़ पर आपने अब ध्यान देना छोड़ दिया है उस जगह पर ध्यान दीजिए. अगर आप पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, आप सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में थे, ठीक है, अब आपने स्पिरिचुअलिटी पे आप आ गए, आप खूब पूजा पाठ करने लगे, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पर अगर आपने सोसाइटी फ्रंट को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमको रहना सोसाइटी में ही है, राइट? अब ये नहीं सोसाइटी में रह के हमको 3D मटेरियल थिंग में स्टक होना है, ये मतलब नहीं है. जो डीएम एनर्जी जो होती है जिस जगह पर, ठीक है, डीएम हमेशा ग्राउंडेड होता है, डीएम हमेशा उसका जिस जो भी उसकी सोसाइटी से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो भी, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है हमेशा वो अटेंशन सीकर पर्सपेक्टिव रखती है. डिवाइन फेमिनिन की जो प्रॉब्लम क्यों होती है, एक्चुअली डीएफ को ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है इस जर्नी में, क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में अटेंशन सीकर पर्सपेक्टिव रखती है. उनको हर से हर किसी से अटेंशन चाहिए होता है, और जो इसी कारण से वो सब जगह से उनको अबंडेंट हो जाती है, क्योंकि हर कोई उनको अटेंशन नहीं दे सकता, और फिर हम लाइफ में खुद को लोनली फील करते हैं. तो हमको क्या सीखना है, हमको सेल्फ लव सीखना है, हमको ऑब्सेशन से इस जर्नी में मेन प्रॉब्लम क्या आती है, एक्चुअली यू ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिले, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, हम जानते हैं कि डिवाइन को सरेंडर होना है, पर फिर भी हम लोग ट्विन की तरफ ही फोकस रहते हैं, डीएम की तरफ फोकस रहते हैं, कब होगा कब होगा. ये वेटिंग वाली जो एनर्जी होती है तो कभी नहीं होगा. वेटिंग वाली एनर्जी कब से अगर आपने रख, आप जब तक उसको बिल्कुल आप उस वेटिंग वाली एनर्जी से ऑपरेट करने की जगह पर आप किस क्षेत्र में लैक कर रहे हो उस पर फोकस करिए. अगर आप आजकल आप बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों पर ध्यान दीजिए. अगर आप फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे, फैमिली पर ध्यान दीजिए, ठीक है. आप अपने फाइनेंशियल साइड को स्ट्रांग करिए, आप अपने क्रिएटिव साइड को स्ट्रांग करिए, आप अपने खुद की मेंटेनेंस पे स्ट्रांग होइए, आपके सोशल साइड को भी डेवलप करिए, आप एनजीओ वर्क करिए, आप अपने ऑफिस जहाँ जाते हैं, जहाँ भी आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ अपनी 100% दीजिए, आप पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई में अपनी 100% दीजिए. और ये सब चीज़ें करते हुए
हमको किसी चीज़ की कोडिपेंडेंसी नहीं लानी है, किसी चीज़ पे स्टक नहीं होना है कि मतलब पैसा कमा रहा है तो बस पैसे के लिए ऑब्सेस्ड हो गए, वो रॉन्ग है। पैसा कमाना है हमको फाइनेंशियल साइड पे, इसी को बोलते हैं बैलेंस। फाइनेंशियल साइड पे हमको वर्क करना है, बट पैसा 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 उसके लिए ऑब्सेस नहीं होना है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन आपको इम्बैलेंस करता है, किसी भी चीज़ का। तो जिस साइड में, या अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत ज़्यादा हो गए, दिन भर आप स्पिरिचुअली हो, बस भगवान की बात भगवान की बात भगवान की बात, तो वो भी इम्बैलेंस है, क्योंकि आप किसी और साइड को इम्बैलेंस कर रहे हो, राइट। डिवाइन को 24 आवर्स रखना है अपने साथ, अपने काम करते हुए। मैंने हमेशा कहा है, मेरे को एक घंटे का बस प्रैक्टिस करी जो मैंने बताया है, बाकी पूरे टाइम अपने सोसाइटी फ्रंट में, मैंने कल की वीडियो में यही कहा था, तो सोसाइटी फ्रंट के अपने हर काम में आपको, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी, अगर मैं बहुत और शॉर्ट करके बोलूँ तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको 100% करना है। पढ़ाई कर रहे हैं 100%, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, उस पर 100% ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन इम्बैलेंस क्रिएट करता है। और यूनियन मतलब बैलेंस, आपकी आपकी लाइफ के हर एरिया में बैलेंस होना चाहिए। जहाँ आप एक लिस्ट बनाइए, बैठिए अपनी, आपका मैस्कुलिन साइड क्या क्या है उसको लिखिए, अब आपका फेमिनिन साइड क्या क्या था या क्या क्या मैस्कुलिन साइड था वो लिखिए, और अब आपका फेमिनिन साइड क्या क्या है अभी और आपका मैस्कुलिन साइड क्या क्या है अभी, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा ये डिसबैलेंस है। मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ, जैसे कि फॉर सपोज़ पहले आप पैसा कमाना आपका उद्देश्य था, ठीक है, अब और भगवान पे आपका, या आपका मैस्कुलिन साइड था और फेमिनिन साइड क्या था, फेमिनिन साइड था कि आपको घर पे अच्छे से कुक, फैमिली के लिए कुक करना है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपके में चेंजेस ये आया कि आपने कुकिंग करने में आपका मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो और आप भगवान भगवान में लगे हुए हो, राइट। जहाँ पहले मैस्कुलिन साइड में आपको पैसे कमाने का मन करता था, वो आपका मन ख़त्म हो गया, क्योंकि अब आप तो डीएम को याद कर रहे हो। तो आपकी लिस्ट में पहले आप कैसी थी, मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड कैसी थी, अब लिस्ट बनाइए, जर्नल बनाइए कि अब आप मैस्कुलिन साइड में कैसी हैं, कि अब आपको पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई हैं, ठीक है, और फेमिनिन साइड में अब आप स्पिरिचुअल हो गई हैं, लेकिन फिर भी डिसबैलेंस है, स्पिरिचुअल हो गई हैं आप बट आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, डिसबैलेंस है। तो पहले इस वक्त आप अपने डीएम को भूल जाइए और सिर्फ खुद पे फोकस करिए। एक्चुअली ये जर्नी खुद को फोकस करने की है, और ये 2020 का ईयर ही एसेंशन का ईयर है आपका। अगर हम कहें कि सोल पर्पस पूरा करिए, किसी ने पूछा था मुझसे, मैम सोल पर्पस क्या होता है, तो सोल पर्पस यही होता है, अगर मैं और शॉर्ट में कहूँगी, कि आपको डिवाइन से अलाइन होके हायर कॉन्शियसनेस के साथ सारे काम करने हैं, आपकी सोसाइटी के सारे काम। अगर मैं और कहूँ आपको, अच्छे से समझाऊँ कि कैसे आपको लाइफ में चलना है, तो डिवाइन से अलाइन होते हुए, हायर कॉन्शियसनेस में रहते हुए, आपको सोसाइटी के सारे फ्रंट पे, सारे स्फेयर पे ऑनेस्टली ऑथेंटिसिटी के साथ काम करना है। दिस इज़ द बैलेंस। इम्बैलेंस कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब हमारी अर्थ में इम्बैलेंस हुआ, देखिए महाप्रलय आ गया, आपके पेट में अगर आप लोग ठीक से खाते पीते नहीं हैं तो आपकी बॉडी में इंडाइजेशन हो जाता है। इन शॉर्ट की इम्बैलेंस ही हमारी प्रॉब्लम का कारण होता है, हर प्रॉब्लम का। तो आपको पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, अपने दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है, आपको हायर कॉन्शियसनेस में रहते हुए, डिवाइन से अलाइन होते हुए, अपने सारे सोसाइटी फ्रंट के सारे काम को, सबको, सब चीज़ पर अच्छे से ऑनेस्टली 100% देना है, ठीक है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए अपना।